यूपी की राजधानी लखनऊ के थाना बीकेटी इलाके में 15 साल के नाबालिग के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गांव में ही रहने वाले दो बदमाशों ने रेप में नाकाम होने पर लड़की की हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों ने कबूल किया कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग के मर्डर का सामने आया सच, रेप में नाकाम होने पर हुई हत्या। यूपी की राजधानी लखनऊ में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। यहां एक बार फिर एक नाबालिग लड़की को हैवानों ने अपना शिकार बनाया है। वारदात 14 अक्टूबर को लखनऊ के थाना बीकेटी इलाके से सामने आई है। यहां ट्यूबवेल के पास झाड़ियों में एक मासूम का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पाया कि मृतक लड़की इस गांव की ही रहने वाली थी। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के बाद इलाके के दो बदमाशों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका 14 अक्टूबर को ट्यूबवेल पर पानी लेने गई थी और वहीं पर आरोपियों की नजर उस पर पड़ गई। दोनों ने रेप के इरादे से उसे घसीटा जिसमें वो जख्मी हो गई। आरोपियों ने पहचान उजागर हो जाने के डर से वहीं पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हत्यारे इसी गांव के रहने वाले गुलाब कुमार रावत और काशीराम लोध है, जो अब कानून की गिरफ्त में है। वहीं इस वारदात से पूरे इलाके में गुस्सा और खौफ है। क्राइम डेस्क, इंडिया 247।